दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञान भंडार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे वे कौन सा गांव है जहां रहने के लिए मिलते हैं लाखों रुपए। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज का लोग शहरों की भागदौड़ वाली जिंदगी से परेशान होकर गाँव की ओर रुख कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि हमारे देश भारत में लोग अक्सर घूमने के लिए पहाड़ों पर या हिल स्टेशन ही जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ की खूबसूरती, वहाँ का शुद्ध हवा पानी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है और हमारे मन में हमेशा वहीं रहने की इच्छा होती है। क्या आप भी पहाड़ों पर रहना चाहते हैं? क्या आप भी पहाड़ों की खूबसूरती और शुद्ध हवा पानी का आनंद लेना चाहते हैं? तो ये खबर बिल्कुल आपके लिए है। जी हाँ, एक ऐसा गाँव जो खूबसूरत पहाड़ों पर है और जहाँ पर रहने के लिए सरकार द्वारा पैसे भी दिए जा रहे हैं, वह भी थोड़े बहुत नहीं, पूरे 38 लाख रुपए। असल में ये एक पहाड़ी गांव है जो कि इटली में है और यहाँ की सरकार द्वारा यहाँ पर रहने के लिए करीब 38 लाख दिए जा रहे हैं। असल में इटली के पहाड़ों पर सेंटो स्टेफानो डे सेस्नियो नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव है। यहाँ पर रहने के लिए इटली सरकार द्वारा करीब 38 लाख दिए जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों वहाँ रहने के लिए सरकार द्वारा पैसे दिए जा रहे हैं। दरअसल इसके पीछे का कारण है वहाँ की आबादी, जो कि सिर्फ 115 है, उसमें से भी आधी आबादी बच्चों बूढ़ों की है। और यहाँ की सरकार इस गांव की अर्थव्यवस्था में सुधार करना चाहती है, जो कि बिना जनसंख्या बढ़ाए संभव नहीं है। गांव का प्रशासन चाहता है कि इस गांव का लगातार विकास होता रहे और यहाँ के मेयर का भी कहना है कि हम किसी को कुछ बेच नहीं रहे हैं, ये बस गांव की जरूरत के हिसाब से लिया गया है और इस योजना का फायदा हर कोई नहीं ले सकता। ये उन लोगों के लिए है जो इटली के नागरिक हैं और जिनकी उम्र 40 साल से कम है। उस व्यक्ति को कम से कम 5 साल यहाँ रहना होगा। इतना ही नहीं, व्यवसाय शुरू करने के लिए अलग से 20,000 यूरो यानी कि करीब 17 लाख तक दिए जाएंगे, वो भी बिना कुछ किए। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो लाते रहे। धन्यवाद।